हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। और आज है बहुत ही स्पेशल डे। हमारी सब्सक्राइबर जो है हमें दुबई से देखती हैं, वो हमारे घर आ रही हैं, और उनके लिए हमने यूपी का खाना सोचा है। कुछ यूपी का खाना उन देख देख के उनको बड़ा अच्छा लगता है वीडियोज़ में। तो ऐसा कुछ खास तो नहीं, लेकिन जितना हो पाएगा मैं बनाऊँगी। और शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो कैसा लग रहा है तू? फ्रेंड्स आएंगे हैं? क्या करोगे? क्या खिलाओगे उन लोगों को? क्या रखे हो दिखाओ? सॉकेट उन लोगों के लिए कुछ रखे हो क्या? सॉकेट चलो वो दिखाओ तब। तो यहाँ पे देखिए, ये फ्रेंड्स के लिए कुछ तैयारी हुई है। क्या है? चॉकलेट। चॉकलेट है। और अरे भाई, आपके चॉकलेट दिख ही नहीं रहे हैं। ये आज जान का फ्रिज से निकाल के और सुपरमार्केट में कल जाके लेके आए थे। ये मैं फ्रेंड्स के दूंगा। और चिप्स भी है। चिप्स है और ये ओरियो भी है। ओरियो भी है। कैलिफोर्निया से लाए थे। सारा फ्रेंड्स को दो गए। तो बस मैंने यहाँ पे ये देखिए खीर बनाई है। खीर मेरा बन चुका है। और ये वही सूरन की सब्जी। और ये वाला देखिए, ये कद्दू की सब्जी। और आटा बना के रखा हुआ है। आटा मतलब रखा हुआ है। और बस सैलेड काट देंगे। और बस यही तैयारी है। चाय बनाने की तैयारी है। मस्त चाय पार्टी करेंगे हम लोग। तो बस पूरा मस्ती करने वाले हैं। और यहाँ पर ये देखिए, ये वाले लड्डू भी तैयार हैं पानी पिलाने के लिए। तो गेस्ट आए हैं, इसकी वाइफ्स बच्चे भी ले रहे हैं। ये पूरा अंश ने रेडी किया ये प्लेट। तो बस चाय भी बनने वाली है। हस्बैंड बनाएंगे अभी चाय। तो बहुत मज़ा आएगा। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? और आज है बहुत स्पेशल डे और पहली बार मेरी सब्सक्राइबर मेरे घर पे आ रही है मिलने के लिए। और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मतलब ये सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म होता है फ्रेंड्स बनाने के लिए ही होता है। और आपसे कोई मिलने आ रहा है और पास में ही रहते हैं घर के, तो वो आ रहे हैं। बहुत मज़ा आ रहा है। मैं हो सकेगा अगर उनको कंफर्टेबल होगा तो मिलवाएंगे। और बस ब्लॉग शेयर करते हैं आपसे और मेरी मेमोरीज़ के लिए भी रहेगा। हाँ दो फ्रेंड्स भी हैं, उनके दो बेटे हैं। तो वो लोग भी आ रहे हैं और बहुत मज़ा करेंगे हम लोग। हैं अद्दू बहुत ही खुश है। अद्दू बहुत खुश है। गेस्ट आने वाले हैं। दुबई में ज़्यादा गेस्ट आते नहीं हैं, तो गेस्ट जब आते हैं तो मज़ा कितना आएगा आप समझ ही सकते हैं। तो बस खाना वाना बन चुका है और मतलब जितना हल्का ही, मतलब सुबह ही आ रहे हैं, मतलब 10:30 हो रहे हैं अभी। तो जितना हो सके ब्रेकफास्ट और लंच टाइप ब्रंच टाइप का है हमारा। तो बस वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए, बहुत मज़ा आने वाला है। हम भी पहली बार मिलेंगे ऐसे, ऑन तो नहीं कर सकते कैमरा, लेकिन अच्छा लग रहा है पहली बार किसी से मिलेंगे। और जो मतलब सोशल मीडिया से वो मुझे काफ़ी जानती हैं और मैं उनको बहुत ही कम जानती, एकदम नहीं जानती हूँ। तो ऐसा है। तो बस चलते। तो ये था हमारी थाली मेहमानों वाली। और कभी कभी जब मेहमान आते हैं तो पूरा सेट ऐसे लगा के खाने में अच्छा लगता है। प्रॉपर पूरा खीर रायता और सब्जी दो तरह की और पूरी। तो ये पूरा ऑथेंटिक एकदम यूपी स्टाइल खाना है। तो ये देखिए हमारे घर 12 बजे रात का नज़ारा है। 12 बजे ऑफिस आने के बाद देखो मसाज हो रहा है। तो अद्दू फ्रेंड से मिल के कैसा लगा आपको? अच्छा लगा बाबू? छोटू फ्रेंड कैसा था? छोटा बेबी तो जो लोग आए थे उनको फिर वीडियो में आना अच्छा नहीं लगता। और हम लोग ज्यादा बोले भी नहीं। एक बार बोला और उसके बाद ज्यादा उन्होंने मना कर दिया, मतलब इंटरेस्ट नहीं लिया। तो हम लोगों ने भी इंजॉय किया, सबके साथ बहुत अच्छा लगा, लेकिन वीडियो नहीं लिया। तो होता है ना, सब लोग कंफर्टेबल नहीं होते ना वीडियो में आने के लिए, किसी और के वीडियो में क्यों आएंगे ना। तो ऐसा है। और बहुत अच्छा लगा। चलो फिर सोने का टाइम है कि नहीं है? सुबह स्कूल भी जाना है। तो फ्राइडे फ्राइडे सैटरडे के बाद जब संडे आता है तो ये लोग पूरा स्कूल भूल गए रहते हैं। दो दिन खूब एंजॉय किए रहते हैं। तो आज वही दिन है। कैसा लग रहा है तू स्कूल जाने के लिए? अभी कल सुबह जाना है। कैसा लग रहा बाबू? इनको तो मजा ही आएगा। हम लोगों को 5 बजे उठ के जाना है। ये तो फिर भी 6 बजे के बाद उठते हैं ना।
तो दोस्तों ऐसा था आज का दिन, और आज का दिन खत्म हुआ और फ्रेंड से मिलके बहुत ही अच्छा लगा हम लोगों को। और ऐसे सब्सक्राइबर जब मिलते हैं ना तो बहुत ही मज़ा आता है। तो बस यहीं पे वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। तब तक आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, और रात को देखिए बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है तो हम लोग घूम रहे हैं। तो हमारा दिन ऐसा ही गया, मतलब वो लोग गए उसके बाद फिर हम लोग सो गए थे, ऐसे ही रेस्ट कर रहे थे, जो काम था वो मतलब समेट रहे थे, और खाना वाना तो बनाना नहीं था क्योंकि बहुत सारा खाना था। तो बस बाय 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 दोस्तों, मिलती हूँ एक नई वीडियो में, बहुत अच्छी वीडियो में। ये ब्लॉगिंग आज का मतलब छोटा ब्लॉग बनाया है, लेकिन जैसा बनाया मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। सुबह स्कूल जाऊंगा, इनको मतलब अभी कब सोएंगे, 12:30 हो रहे हैं, और कब उठेंगे वो बड़ी बात है। तो ऐसा ही है, रात का जब ऑफिस रहता है हस्बैंड का तो इनका यही चलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।